हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। अपने चैनल जीएस इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं आज इस वीडियो में आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे जानकारी दूंगा। वोल्टेज ट्रांसफार्मर वीटी, जिसको के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी भी कहते हैं, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही टाइप है, जिसको के पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर के भी होते हैं। ये ऑयल टाइप एंड ड्राइव टाइप भी होते हैं। ये जो मैं वीडियो में आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, ये रेजिन कास्ट ड्राई टाइप है। ये सिंगल फेज और सिंगल कोर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू आपको डबल फेज और सिंगल कोर वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इस डायग्राम में जो पीटी है लोड लाइन के अक्रॉस कनेक्टेड किया हुआ है। जो पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस 11 के भी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। पीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हमेशा हाई वोल्टेज लाइन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिस लाइन की हमने वोल्टेज मेजर करनी हो या जिस लाइन को हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो। और सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर और प्रोटेक्शन रिले लगाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग चाहे 11 केवी के अक्रॉस कनेक्टेड हो, चाहे 33 केवी के अक्रॉस कनेक्टेड हो, मगर जो पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा 110 वोल्ट आउटपुट के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने अर्थ किया हुआ है। ये ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी रीज़न से इसको अर्थ किया जाता है। बेसिकली पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मीनिंग ये है कि यदि जिस साइड वाइंडिंग के वोल्टेज ज़्यादा होगी उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होगी, और जिस साइड वाइंडिंग के वोल्टेज कम होगी उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को हमने हाई वोल्टेज 11 केवी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग के कंपैरिजन में बहुत कम है, जो कि 110 वोल्ट है, इसलिए सेकेंडरी साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है वो भी कम होगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 मच 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 ग्रेटर देन है N2। फ्रेंड्स, मैं आज आपको रेजिन कास्ट सिंगल कोर से जो सिंगल फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन के और बारे बताऊंगा। ये जो मेरे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए सब इसको से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में मैंने सिंगल फेज सिंगल कोर जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को जो है लोड लाइन के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज V1 है वो 11y√3 kV अप्लाई किया हुआ है, और जो सेकेंडरी साइड जो आउटपुट आ रही है वो वोल्ट मीटर के अक्रॉस उसको V2 से डिनोट किया हुआ है, जो कि 110 वोल्ट ओब्लिक √3 है। ये जो मेरे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसका जो टाइप है फेज टू अर्थ है। इसका मीनिंग ये है कि इसके जो फेज है जिसको इस डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं ए से डिनोट किया है, उसको फ्यूज़ के थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग के वन एंड से
कनेक्ट किया हुआ है। ये जो वन एंड है जहाँ हम लोग लाइन और फेज कनेक्ट करते हैं, जो कि इस फ्यूज़ के थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग के वन एंड को कनेक्ट होता है। ये जो फ्यूज़ होता है इसका जो टाइप होता है ABT होता है, और इसकी जो रेटिंग होती है 11 kV होती है, और जो एम्पियर रेटिंग 3.15 एम्पियर के लिए डिज़ाइन होता है। और जो इस प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा एंड है, उस जैसे कि उसको N से कनेक्ट करते हैं, इसको अर्थ किया हुआ है हमने, जैसे कि आप लोग इस में वीडियो में देख रहे हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको जो डिनोट किया हुआ है 1A और 1N से डिनोट किया हुआ है। ये जो दो पॉइंट है सेकेंडरी वाइंडिंग के है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारे को 110 वोल्ट ओवर अंडरवुड 3 मिलता है। ये जो हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसकी जो रेशियो है 11,000 ओवर अंडरवुड 3 ओवर 110 ओवर अंडरवुड 3 वोल्ट है। और जो इसकी जो इंसुलेशन क्लास है वो V है, और ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और जो HSB ओवर IL है इसका 12 kV है। और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 110 ओवर अंडरवुड 3 V है, और जो वाइडन पर फेज है वो 100 V है। और इस जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास है 0.5 है। डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। थैंक्स।